उलमा की जिम्मेदारियां बहुत नाजुक हैं, बहुत नाजुक हैं। उलमा की हैसियत इस उम्मत के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायबीन की है, कार्य नबूवत इनको अंजाम देना है। इसलिए जो नबी के कलेजे में गम था वो आलिम के कलेजे में भी वो गम होना चाहिए। जो नबी का इल्म था उस इल्म का तरका भी उलमा को मिलना चाहिए। नबी के हिस्से में जो जोहद मेहनत कुर्बानी और जिहाद आया था वो उलमा के हिस्से में भी आना चाहिए। नबी का जितना वसी दायरे अमल था उतना ही वसी दायरे अमल उलमा का भी होना चाहिए।